तो ये छठ की तैयारी शुरू हो गई है। ये अलग अलग मतलब इसमें रखा जा रहा है, ये टोटल पांच रखे जाएंगे। मम्मी ये कर रही है, ये बड़े से दौरे के अंदर ये अलग अलग सारा सामान रखा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो सब प्लेट में अलग अलग लगा दिया है। ये पीतल के हैं चारों के चारों बर्तन, इसे सूप बोलते हैं पीतल का। पीतल की थालियाँ हैं और एक वहाँ पे है वो बांस की सूप है, वो वहाँ पे लग रही है। तो तीन यहाँ पे रखी हुई हैं, बाकी ये सब सामान है। और ये घर के बच्चे, तो बाकी की जो तैयारी है वो शाम। जैसे कि आप देख सकते हो ये छठी मैया है जो मैंने रात को बनाई थी, वो सुबह सूज खुली थी जो छोटे भाई ने मुझे पेंट वेंट करके। अब ये देख सकते हो ये छोटा सा हमने पूल बनाया है, इसके अंदर पानी भरेंगे। देख सकते हो मैंने पानी भर भी दिया है। इसके अंदर मम्मी मेरी खड़े होकर संध्या अर्घ देगी। ये बेटू है, बेटू थोड़े से ये जो मैंने इस पर प्लस्तर जो किया था वो थोड़ी दरार आ गई थी, तो उसको ठीक कर रहा है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कैसे ये ठीक कर रहा है अपनी उंगलियों से। क्या कर रहे हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है प्री रवि। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि छठ की तैयारी चल रही है, बाकी तैयारी मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। अभी सब रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ, ऐसे नॉर्मल है, घर में कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं, ठीक है। ये चैती छठ हर कोई नहीं करता, ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं। कार्तिक छठ होती है जो सब करते हैं, तो चैती छठ इतने लोग करते नहीं हैं, ठीक है। बाकी प्रीति भी अभी तैयार हो रही है, अपना ये साड़ी रखी है, अपनी चूड़ी मैचिंग के निकाल रही है, आप देख सकते हो व्लॉग के अंदर। तो बस दोस्तों, अब मैं आपसे सीधा शाम को मिलता हूँ ऊपर छत पे सबके साथ, ठीक है। चलो, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों छत पे आ चुके हैं। छत पे हम छाया छत का जो होता है सूट वगैरह हम लेके आ चुके हैं। मेरी मम्मी है सामने और मेरी दीदी और मेरी बुआ आई हुई थी छत के लिए, तो ये लोग बैठे हुए हैं और हम सब छत छत पे आ चुके हैं। और भी लोग आने बाकी हैं, वो लोग धीरे धीरे करके आएंगे। पापा हैं, बाकी दोनों बच्चे हैं, तो एक मेरी और बुआ आ चुकी हैं और यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, प्रीति बैठी हुई है। और दीदी अपना आराम से पूल में खेल रहा है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है पूल में खेलने में। अभी छोटा वाला भी उसको परेशान करने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। तो जैसे जो छत जो होती है चेती छत कहते हैं उसको, ये कार्तिक छत से पहले आती है। अब जैसे बिल्कुल कहते हैं खेल रहा है पानी में पूल के अंदर, उससे बड़ा मज़ा आ रहा था पूल में खेलने में ये सब। तो आप देख भी सकते हो कैसे ये दोनों बच्चे अपना इंजॉय मस्ती वगैरह सब कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था चेती छत होती है ये कार्तिक छत से पहले आती है, ये होली के कुछ दिन बाद आती है। जो कार्तिक छठ होती है वो दिवाली के छह दिन बाद होती है। तो दोस्तों दोनों का जो महत्व होता है दोनों सेम ही होता है। आप देख सकते हो मम्मी ने मेरे आज दे दिए हैं, ठीक है, आज से ये आ चुकी हैं। अब दूध दूध हो रहे हैं वहाँ पे, सब अपना फोटो वोटो रिकॉर्डिंग वगैरह सब खींच रहे हैं। आपको गीत की आवाज़ सुनाए भी दे रही होगी, तो ये छठ महीने के गीत होते हैं, तो ये सब चल रहे हैं इसके अंदर। अब ये सब लोग जितने भी लोग आना तो सब लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो छत पर कितनी भीड़ हो चुकी है। तो ये सब मेरे भांजी भतीजी वगैरह सब कजन सिस्टर वगैरह साथ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि दोस्तों जो शाम की जो पूजा होती है वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। अब सब लोग छठ महीने को प्रणाम करेंगे, उनके प्रसाद चलाएंगे जो छठने का होता है। तो बारी बारी करके सब आएंगे की करके। अभी देख सकते हो जो मेरे पापा हैं वो आए हैं, उन्होंने अभी छठ महीने को प्रसाद छठने का जो देते हैं लोग कराते हैं। तो ऐसे ही उपयोग करके सब लोग आएंगे। तो ये समझा है जो दोस्तों, इसके बाद ये चूल्हे अब जो है वो सुबह होगा। अब सब लोग का साथ चार के घटने की तैयारी भी छू रहे हैं। तो अभी देखो छोटा वाला बेटू है जो भी घटने की तैयारी छू रहा है अपनी दादी के। तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों, छत में देने का तो महत्व होता है, एक जैसे होते हैं जो जीवित है। अब दोस्तों ये जो शाम को जो संध्या के बाद एक और चीज़ होती है जिसे कोसी बोलते हैं, कोसी भरना बोलते हैं। ये ज़्यादातर बिहार में होता है, आप समझोगे उनकी कोसी क्या है। तो देख सकते हो कैसे उस सब तैयारी की जा रही है, गन्ने को पांच गन्ने को बांध के
ये सब किए जाते हैं। देख सकते हैं कैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, गीत चल रहे हैं, बैकग्राउंड गीत चल रहा है सब, ठीक है। तो देख सकते सब लोग से कोई जवाब नहीं था, तो ये भी रिकॉर्ड है। तो लगभग लगभग देख सकते हो सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे गीत भी होंगे, तो बहुत मजा आता है दोस्तों। शाम को जो छठ होती है, दोनों का जो महत्व होता है, दोनों का सेम ही होता है, चाहे कार्तिक छठ हो चाहे चैती छठ हो, ठीक है। तो कई लोगों को नहीं पता होता कि साल में दो बार छठ आती है। हाँ दोस्तों, दो बार छठ आती है, ये चैती छठ है। तो देख सकते हो शाम को कैसे कितना अच्छा नज़ारा है। शाम को छठ पे सब लोग बैठे हैं, कोसी भरने की जो तैयारी हो रही शुरू हो रही है। दोस्तों बातें करते करते शाम हो चुकी है, देख सकते हो कैसे दिए वगैरह सब जल चुके हैं। अब मम्मी कैसे, अब शाम को तो ये चीज़ें और भी अच्छी लग रही, देख सकते हो।